एसबीआई मोहाली के उपभोक्ता परेशान, बीएसएनएल में आई खराबी बनी मुख्य वजह। बेहतर सेवा देने के फायदे तो भारतीय स्टेट बैंक लगातार करती चली आ रही है, परंतु इसकी हकीकत कोसों दूर है। उपभोक्ताओं को समय पर रुपया मिले, इसका ख्याल बैंक प्रबंध तंत्र के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बैंक में रुपया निकालने आया प्रत्येक उपभोक्ता भारतीय स्टेट बैंक की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। यही नहीं, एक उपभोक्ता द्वारा कैमरे में चेक दिखाते हुए कहने लगा कि मोहाली बैंक प्रबंध तंत्र को बीएसएनएल के अलावा किसी अन्य निजी कंपनी के नेटवर्क से नेटवर्किंग सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, जिससे परेशान हो रहे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। मामले का शर्मनाक पहलू तो ये है कि मोटरसाइकिल व्यापारी एवं समाज सेवी कौशल दीक्षित ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दूसरी तरफ मोहाली भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर के द्विवेदी ने बताया कि वह खुद परेशान है, उपभोक्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। नेटवर्किंग अल्टरनेट के लिए अधिकारियों को लिखा गया है, उम्मीद है कि शीघ्र ही इस अव्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। एसबीआई में हमारे अपने खुद एक करंट अकाउंट था, हमारा पर्सनल अकाउंट था। इतनी स्थिति खराब होने के कारण करीब 2 साल से हमने बैंक जाना बंद कर दिया, कोई काम नहीं उस बैंक से कर रहे हैं। वहाँ क्या है, करेंट अकाउंट, बचत खाता, सब कुछ एक ही काउंटर से हो रहा है। जैसे आप अगर देखेंगे तो मोहाली के तमाम व्यापारियों ने अपने एसबीआई से खाता बंद करा दिया, कहीं दूसरी जगह होता। अब वहाँ का जो स्टाफ है कस्टमर की सुनने नहीं चाहता। छोटे छोटे काम के लिए गांव के 8-8 किलोमीटर के लोग आते हैं, उनको 10-10 बार तो रहते हैं। हमारे गांव का ही लड़का था, उसके खाते में कुछ था, तो उसको 15 दिन लगातार आना पड़ा। फिर वो हमारे पास अभी आया पिछले हफ्ते, तब हम बैंक गए, बैंक मैनेजर से मिले, तब जाके उसका बड़ा मुश्किल से काम हुआ, क्योंकि बहुत छोटा काम हुआ। मेरी एजेंसी है डाटा क्राफ्ट, उसको भी मैसेज कर दिया है कि रेगुलर ये पर समस्याएं हो रही है। उनका इतना ही कहना है कि यहाँ शायद पोल के गढ़ने का काम या फिर सड़क के निर्माण का कार्य रेगुलर चल रहा है, जिससे रात को ये रोज कट रहे हैं और रोज रिपेयरिंग का काम चल रहा है। फिर मैंने अपने अधिकारियों को भी बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस दिया जाए, सिर्फ बीएसएनएल पर डिपेंड करने से मेरा काम चलना नहीं है, क्योंकि महीने में कम से कम 10-15 दिन या 20-25 दिन तक, एक महीने में तो ऐसा भी हुआ कि 20-20 दिन तक डिस्टर्ब रही, चाहे पार्शियली या फुल्ली। तो हम लोग अधिकारियों के संपर्क में हैं दोनों तरफ, बीएसएनएल और अपने अधिकारी के संपर्क में भी हैं। देखिए यथास्थिति बहुत जल्दी आ जाएगी। क्या कोई कोई अल्टरनेट है इसके लिए? अल्टरनेट में बीएसएनएल के अलावा दूसरे ऑप्शंस के लिए विचार कर रही है मैनेजमेंट, तो रिक्वेस्ट करी है। क्या लगता है उपभोक्ता ऐसे ही सफर करता रहेगा? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे पावर में नहीं है। इसलिए मैंने अपने आरबीओ को मैसेज किया है कि आप अल्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था कीजिए।